आपकी अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। जी हाँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बन रही है सरकार। अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं मुख्यमंत्री। रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह और अब दिल्ली को है इंतजार कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं आम आदमी पार्टी ने वो कैसे होंगे पूरे। यहीं से इस चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिलीप पांडे साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से और नलिन कोहली जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन दिलीप पांडे जी, ब्रेक के पहले गलती से मैंने अलका कह दिया था, रागिनी नायक की पार्टी की बात हो रही है यहां पर। और सवाल ये जो पूछा जा रहा है वो इसलिए क्योंकि राजनीति में जिस तरह की छींटाकशी हमने देखी है पिछले दिनों हमने। जी रागिनी, कुछ कह रही हैं आप? अंजना जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने आलोचना जरूर की अपने विपक्षी दलों की, लेकिन हमेशा सभ्यता और शिष्टाचार के दायरे में रहकर की। कभी भी अभद्र शब्दों का या शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है। रागिनी जी, इसलिए मुझे लगता है कि मैं गिनवा सकती हूँ, इस मुद्दे पे तो मत ही जाइए, मैं गिनवा सकती हूँ। एक स्वस्थ राजनीति के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आलोचना हो। गटर स्नाइप से लेकर जोकर से लेकर कीड़े, क्या कुछ कहा गया इनको? अरे रागिनी जी, गटर स्नाइप्स, कीड़े, जोकर, ये सब कहा गया है और अच्छे बड़े नेताओं की तरफ से। देखिए, आज 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 अरविंद सिंह जी ने भी ये बात बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से स्पष्ट की। आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत छींटाकशी हमारे लिए हुई है, उसके बाद भी कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने इस तरीके की बात किसी चैनल के माध्यम से कही नहीं है। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि ये बिल्कुल होना चाहिए राजनीति में कि स्वस्थ आलोचना हो और उसी के आधार पर आपको अपनी नीतियों को सामने रखना चाहिए। दिलीप कुमार जी, अब सवाल आप ही से है और इस बार मैं चाहूंगी कि कम से कम एक ऐसा जवाब आप दें जिससे देश आश्वस्त हो, खास तौर पर दिल्ली की जनता आश्वस्त हो। ये जो अग्नि परीक्षा है इसमें एक एक मुद्दे पर, क्योंकि आपने किस तरह के वादे किए उसको जरा समझिए कि हम जब तक पक्के मकान नहीं देंगे हम झुग्गियों को नहीं, और ये मैं बार बार कह रही हूँ, हाईकोर्ट तक के ऑर्डर के बावजूद आपने वापस भिजवा दिया, आपने झुग्गियाँ नहीं तोड़ने दी वहाँ पर, पक्के मकान दिए बिना नहीं करेंगे, अनऑथराइज कॉलोनीज को फौरन करेंगे, 50% बिजली बिल 3 महीने में करेंगे, फ्री पानी देंगे, इन सब के लिए भी तो पैसा इसी जनता का जाएगा ना। ये किस तरह की आर्थिक नीति के साथ आप बढ़ रहे हैं, जरा उस पर रोशनी डालिए क्योंकि अब तो बात काम की होगी। 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। देखिए अंजना जी, एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरह की राजनीति हमारे देश में होती आई है, ऐसा नहीं है कि देश में विकास की संभावनाएं समाप्त हो गई। देश में विकास की संभावनाएं हैं, समस्या किस चीज की रही है कि किसी ने सही कहा है कि वी आर ऑल मेड अप आवर इंटेंशंस। इस देश में नीयत की कमी रही है, ऐसा नहीं कि पॉलिसी मेकर्स नहीं रहे हैं। बड़े बड़े IIT और IIMs के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, कौशल की कमी नहीं है जो बैठ के पॉलिसीज बना सके, लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी जो इनएफिशिएंट तरीका रहा उनका काम करने का, उन्होंने सिस्टम ऐसा डिजाइन किया कि वो पॉलिसीज अच्छी अच्छी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो अब भी हमारे सामने जो है बड़ा प्रश्न वो ये है कि हमारा इंटेंट सही है कि गलत है। हमारा इंटेंट अगर गलत होता तो दिल्ली की जनता हमारा साथ नहीं देती। इस बार दिल्ली के चुनाव में मुद्दों के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर चुनाव वोट नहीं डाले गए, इंटेंट के ऊपर डाले गए। जनता को विश्वास था ये ईमानदार लोग हैं, ये उन्नति लोग हैं। मैं इस बार मतदाता मतदान करने जा रहा हूं तो प्रयोग करने जा रहा हूं, देखूं कि इस बार बिजली का बिल कम होता है कि नहीं, क्योंकि ये लोग विश्वास के योग्य हैं। अब तक इन्होंने डिलीवर किया है, आगे भी करेंगे, इस विश्वास के साथ किया गया है इस बार मतदान। तो हमारे पास विश्वास के अलावा कुछ है भी नहीं। इस विश्वास गठबंधन का रोना तो नहीं रोएंगे, क्योंकि यूपीए में मनमोहन सिंह साहब भी यही रोना रोते हैं, कहीं आप भी वही रास्ता तो नहीं अपनाएंगे। मुझे लग रहा है कि एक तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है अंजना जी। अभी हमारा किसी से गठबंधन नहीं है। अगर आप बताएं कि किससे हमारा गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी क्या ऐसी चीज हमें देने की बात कह रही है जो हमने कभी मांगी नहीं है? वो कह रहे हैं हम आपको बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जो सरकार बनने की बात हो रही है वो अल्पमत की सरकार बनने की बात हो रही है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे गठबंधन की बात जब आती है, एलियंस की जब बात आती है, तो आपको गठबंधनकारी जो दल होता है उसकी शर्तें माननी होती हैं, हिस्सा बंटवारा करना पड़ता है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे जो मुद्दे थे हमारे मैनिफेस्टो था उसके ऊपर हमें काम करना है, इसी के ऊपर हमने इन दोनों पार्टियों से राय मांगी। गठबंधन किससे? अच्छा हुआ ये साफ कर दिया आपने, क्योंकि कम से कम वो रास्ता नहीं आप लोग अपनाएंगे कि उनकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। बने रहिए आप सभी हमारे साथ, नलिन जी आपके पास भी आऊंगी, रागिनी जी भी। लेकिन सरकार बनाने का दावा करने के बाद अरविंद केजरीवाल से बात की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने, वो पहले सुन लीजिए। फाइनली आप पार्टी ने सरकार बनाने का फैसला किया है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्रियों के बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, खुद अरविंद केजरीवाल। अरविंद जी, क्या प्रायोरिटी होंगी, मुख्यमंत्री आप होंगे, क्या क्या प्रायोरिटी होंगी? सारी उसमें लिखा हुआ है, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली,
ये सारी चीजें हमने जो मैनिफेस्टो में जितनी लिखी हैं वो सारी चीजें 50% बिजली माफ कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाएंगे। मैनिफेस्टो में जितनी चीजें लिखी हैं सारी बहुत सोच समझ के लिखी हैं, जनता से सलाह मशवरा करके लिखी हैं, एक एक चीज इम्प्लीमेंट की जा सकती है। लेकिन यार व्यवहारिक नहीं है ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, ये तो कहेंगे ही। लेकिन आपने कहा था रामलीला मैदान में विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और बुलाएंगे, अभी रुक जाओ, रामलीला मैदान में लाएंगे। तो आप बंगलों की बात हो रही थी कि बंगले नहीं अपने ही घरों में रहेंगे? नहीं लोगे बंगले भी नहीं लेंगे। और क्या एक पहला काम क्या करने वाले हैं अरविंद जी आप? अभी एक मिनट बना लें सरकार फिर बताते हैं आपको। जी बिल्कुल, ये थे अरविंद केजरीवाल जिनका साफ तौर से कहना है कि जो वादे हमने पूरे किए हैं उनको पूरा करेंगे। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। दिलीप जी ये बातें कितनी व्यावहारिक हैं, क्योंकि अभी भी अरविंद केजरीवाल जिस घर में रह रहे हैं वो तो इनकम टैक्स का घर है जो उनकी पत्नी को मिला हुआ है, फिर ये सरकार की तरफ से कोई घर नहीं लेंगे, विधायकों को वैसे भी लाल बत्ती नहीं मिलती है, प्रोविजन ही नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं विधायकों को लाल बत्ती नहीं, तो इन बातों पर जरा सा गुमराह करने वाली बात लगती है। नहीं नहीं, गुमराह करने वाली सारी चीजें स्पष्ट हैं, बस ये है कि किस तरह के चश्मे से हम उसे देख रहे हैं। आप एक चीज गौर करिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये कहें कि आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं, व्यवहारिक हैं और इंप्लीमेंट हो सकती हैं, तो आपको लगता है कि जनता इसे सवाल नहीं पूछेगी कि आप अब तक फिर एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, आप अभी तक एस्टेब्लिश पॉलिटिक्स का हिस्सा क्यों हैं, आपने अब तक क्यों नहीं कर दिया? तो ये बड़ा नेचुरल है कि इनको इसका इसको अपोज करना है, इसका विरोध करना है और ये साबित करना है कि सारी चीजें अव्यवहारिक हैं, जबकि जो हमने कैलकुलेशंस किए उनके मुताबिक ये सारी चीजें बहुत व्यवहारिक हैं। और वो कहते हैं ना कि सर में कितने बाल, तो हज्जाम ने कहा कि कट के आगे आएंगे गिन लेना, तो हम वही कह रहे हैं कि मौका मिलने दीजिए, हम इंप्लीमेंट करके दिखा देंगे। आपने भी कोशिश की लेकिन आप 30% बिजली बिल घटाएंगे वहीं तक हिम्मत जुटा सके? पहली बात है कि ये सरकार बना रहे हैं, इनको अपना काम करने दीजिए। आज पहले दिन अभी तो सरकार तक नहीं बनी, दावेदारी हो रही है, तो मुझे लगता है इन सब चीजों पे ज्यादा बहस नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, खासकर आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र को, कि ये जो भाषा होती है कि हम ही अच्छे हैं बाकी सब खराब है, थोड़ी डेंजरस है। क्योंकि यदि आप कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने वोट दिया एक अच्छी नियत के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए, तो आप क्या कह रहे हैं कि देश में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता ने एक खराब सरकार के लिए वोट दिया, और वहाँ क्या भाजपा के हमारे मुख्यमंत्री जो इतना अच्छा काम किए या जहाँ पर बदल के आए हैं वसुंधरा जी, वो सब जो उनकी नियत खराब है? तो ये जो हम ही ठीक है बाकी सब बुरे, ये डेंजरस लाइन होती है। दिलीप जी जवाब देना चाह रहे हैं, दिलीप जी आपकी बात का जवाब देना चाहिए। पॉलिटिकल, दिलीप मैं बस बात पूरे कर लूं, देश में पॉलिटिकल स्पेस और पॉलिटिकल अधिकार सबको है। ये लोग आए, आम आदमी पार्टी ने एक राजनीतिक पार्टी बनाया, एक वैकल्पिक सोच के साथ इन्होंने अपने आप के पेश किया, जनता ने इनको वोट दिया, आज सरकार बना रहे, बधाई के पात्र हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब इनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, जिम्मेदारी में बहानों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, निभाइए और जनता के सामने आइए और जनता को तय करने दीजिए, मेरा इतना एक अनुरोध था। हाँ, दिलीप जी बड़ा सम्मान करता हूं मैं नलिन जी का। देखिए दोनों ही दो कैटेगरी से चुनाव की, दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं और बाकी राज्य में जो चुनाव हुए, दोनों के तरीकों में अंतर है। आप अगर गौर करेंगे तो आपको, आपने अगर आंकड़े देखे हो तो मध्य प्रदेश के चुनाव में 6.5 लाख नोटा के बटन दबे। मैं कहना यहां पे ये चाहता हूं कि दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि सही मायने में वैकल्पिक राजनीति स्थापित हुई यहां पे, जबकि बाकी राज्यों में अभी तक सिर्फ प्रतिस्थापन की राजनीति थी, वहां पे कोई विकल्प नहीं था। यही वजह है कि दिल्ली में नोटा इररिलेवेंट रहा है, जबकि 6.5 लाख नोटा बटन दबे मध्य प्रदेश में, वहां की जनता इस बार वोट करते वक्त तड़प के रह गई होगी कि काश के उनके पास भी दिल्ली जैसा कोई विकल्प होता। तो इसको दिल्ली से कंपेयर ना करें, दिल्ली में पहली बार एक ईमानदार कोशिश हुई है और इसका ऊपर वाले ने भी साथ दिया है, नीचे वाले ने भी साथ दिया है। रागिनी जी ऐसी क्या बात रही कांग्रेस पार्टी में कि बिजली बिल को लेकर कोई भी पहल शीला दीक्षित आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया? क्या आप लोगों को वाकई ये इतना अनडूएबल लगता है उस नेक्सस को जो कि बिजली कंपनियों ने दिल्ली में बनाया हुआ है, उसको भेदने की जरा सी भी कोशिश नहीं दिखी कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अंजना जी आज आम आदमी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, सहयोगियों और नेताओं के लिए बड़ा दिन है, तो मैं समझती हूँ कि ये जो हर्षोल्लास, जो उत्साह का बढ़ा हुआ स्तर दिख रहा है वो बहुत लाजमी है।
लेकिन इस आदर्शवादी बातों को यथार्थ में तो बदलना ही होगा। आज दिलीप जी ने जो बात कही मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगी और मुझे पूरा यकीन है कि जो आपकी ऑडियंस है उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। नियत साफ है, जनता को लगता है, इसीलिए जनता ने वोट दिया। लेकिन इस साफ नियत को, इस गुड इंटेंशन को आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे पॉलिसीज के द्वारा, नीतियों के द्वारा, तब तक समाज में, देश में, दिल्ली में कुछ बदलेगा नहीं। मैं आपको दो छोटे छोटे उदाहरण देना चाहूंगी। एक सेकंड आज एक चैनल इम्प्लीमेंटेशन में क्या कांग्रेस पार्टी 100% भी वही बात, एक सेकंड रागिनी जी क्या इम्प्लीमेंटेशन में कांग्रेस पार्टी 100% परफेक्ट है? जी देखिए, परफेक्शन की स्टेट तो मुझे लगता है अभी देश में हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन 15 साल तक स्थायी सरकार दिल्ली में केवल कांग्रेस पार्टी ने ही दी है और ये ऐसा सत्य है जिसको एक बार की हार मिटा नहीं सकती। इसीलिए बार बार इस पर सवालिया निशान लगाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन मैं उदाहरण ये देना चाह रही थी कि प्रोफेसर अनंत कुमार ने भी वही बात कही जो दिलीप जी ने कही कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसे इकोनॉमिस्ट्स हैं जो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि अभी सोचा समझा नहीं है। फिर एक बात और कहूंगी, आज राहुल मेहरा जी ने एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बड़ी परिभाषा दी। अरविंद केजरीवाल जी ने जनसभाओं में ये बार बार कहा कि जादुई छड़ी नहीं है, हम अकेले नहीं कर पाएंगे, जनता को हमारे साथ आना पड़ेगा, लोगों को आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आशंकित आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन कांग्रेस का ये मानना रहा है कि चूंकि जनता ने आपको जिताया है तो एक मौका जरूर मिलना चाहिए कि आप अपने वादों को यथार्थ की शक्ल दे सकें। लेकिन ये नलिन जी, आप और रागिनी जी यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो ये दबाव बना रही हैं कि आप कोई बहाने नहीं चलेंगे, यथार्थ में कीजिए आपने जो वादा किया है, देश ने अगर आपके खिलाफ वोट दिया तो इस वजह से भी दिया कि आप इसमें फेल रहे, तो फिर पत्थर तो वही मारेगा ना जिसका घर कांच का ना। नहीं अंजना जी, मैं आपको थोड़ा सा मैं आपके शब्द से स्वीकृति आपके शब्दों की नहीं मान सकता, क्योंकि अगर आप देखें वोट ने बीजेपी के अगेंस्ट नहीं दिया। हम लोग आंकड़ों पे बात करें तो 80% सीटें हम जीते हैं राजस्थान में। हाँ। हमारे आंकड़े बड़े हैं, 163 गए हम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी हमारे आंकड़े बड़े, तीसरी बार सरकार बनी है। तो वोट हमारे अगेंस्ट नहीं था, कांग्रेस के विरुद्ध था। दिल्ली में हम 32 सीट पे, कांग्रेस 8 पे, तो मुझे ये मापदंड समझ नहीं आता कि वोट कैसे भाजपा के अगेंस्ट था। ये मतलब एक अजीब मापदंड है। रही बात, बिल्कुल हम इसको स्वीकार रहे हैं, हमें आंकड़ा नहीं मिला सरकार बनाने का। क्योंकि एक डेडलॉक्ड असेंबली बनी। कई बार असेंबली में इंडिपेंडेंट्स होते हैं, कई छोटी पार्टियां होती हैं। मैं इस बात को लगातार स्पष्ट कर रहा हूं कि भाजपा कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बना सकती। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा, अब बच्चों के कस्में खाएगा इस सब की, हम ना भाजपा।